गुजराती ना अंको सीख्या हवे तमारे हिंदी अंको सीखवाना छे। चलो तो पहला हिंदी मां आने शू कहेवाय तमे गुजराती मां कहो छो एक, हिंदी मां पण एक ज कहेवाय बराबर। अने बे ने शू कहेवाय दो, त्रण ने तीन, चार ने चार अने पांच ने पांच, पण लखवानी रीत अलग अलग छे। तो आजे आपणे शू करीशु महावरो। तो एक पछी दो, तीन, चार। आपणे इंग्लिश नो आर्ट करता होईए एवी रीते छोरां पण ऊपर थी ते जग्या खुली राखवानी। अने पांच फरीथी एक वखत, एक दो तीन चार पांच, 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 बराबर। तमारे तमे जारे गुजराती अंको लखता हो तो सहेज वळांक वाळा होय छे। धारो के एक लखता हो तो आम पाछळथी शुं आवे छे वळांक, पण हिंदी अंकमां एवी रीते वळांक आवतो नथी। तमे जोई शको छो एक दो तीन चार पांच बधा सीधा सीधा छे बराबर। फिर से एक बार, एक दो तीन चार अने पांच, बराबर। आवी रीते तमारे नोट नी अंदर महावरो करवानो छे, पछी तमे सीखी जशो। हवे अहींया शुं लखेलुं छे जो सूचनामां तमे ध्यान आपो, हिंदी अंकोने शब्दोमां लखो बराबर। शब्दोमां लखता शीखवानुं छे। अत्यार सुधी आपणे अंकोनो महावरो कर्यो, एक थी पांच अंकोनो महावरो कर्यो, हवे आपणे एक थी पांच अंकने शुं करीशुं आपणे शब्दोमां लखता शीखीशुं। तो एक बराबर, एक एक लगता तमे सीखी गया हिंदी मां एक। हवे बाजू मां तमे गुजराती अंक मां लखो शब्दों मां एक बराबर। एक हिंदी अंक मां एक, पछी शब्दों मां अने गुजराती शब्द मां, तमने ख्याल आवे एटले। હવે નીચે શું છે દો, એટલે કે બે, દૈનિક આનો માત્ર દો, હિન્દીમાં દો કહેવાય, જ્યારે ગુજરાતીમાં શું કહેશો, શું કહેશો તમે, તો બે। ગુજરાતીમાં તમે દો ને શું કહો છો, તો બે। હવે નીચે तीन बराबर, हिंदी मां अंक मां तीन अने शब्दों मां अने बाजू मां शुं लखीशुं, तो त्रण। गुजराती शब्द मां शुं लखाय, तो त्रण। हवे नीचे चार, जेने कानो चार, छेले पांच,
અર્ધચંદ્રાકાર અને ચ તો આજે આપણે શું શીખ્યા? એક થી પાંચ ગિનતી નો મહાવરો કરતા શીખ્યા.